मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ बच्चे पैसों के अभाव में वो सामान नहीं खरीद पा रहे, अपनी वो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो तड़प रहे थे। जानता हूँ तुम्हारे लिए वो बहुत ज़रूरी भी था और कहीं ना कहीं तुम्हें उसका शौक भी था, पर बात ये है ना कि सही समय आने दो। सच कह रहा हूँ, बहुत कम समय में ही मैं तुम्हें वो खुद दिलवा दूंगा, और जब मैं दिलवाऊंगा ना तो किसी पैसे की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ना कोई मना करेगा, ना कोई पीछे हटेगा। तुम खुद देख लेना, समय ऐसा पलटेगा कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें कम से कम पैसों में प्राप्त हो जाएगा। मैं तो तुम्हें इस बात की शाबाशी देना चाहता हूँ कि किसी के दर्द को बांटने का तुम सिर्फ साहस ही नहीं रखते हो, मुझसे मांग भी लेते हो कि बाबा उसकी आधी पीड़ा मुझे दे दो। कैसे तुम्हें शाबाशियाँ दूँ ये मुझे समझ नहीं आता। मांगो क्या मांगना चाहते हो इसके बदले, लेकिन बस एक बात ही कहूँगा तुमसे, तुम मेरे जितने प्यारे बच्चे हो ना, हमेशा ऐसे ही रहना और मुझसे कभी गुस्सा मत होना। तुम में मैंने वो बात देखी है जो बहुत असाधारण है। भले ही तुम बहुत कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन जो तुम करते हो ना वो सब लोग करने की सोच भी नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं है किसी में। जो हिम्मत और ताकत तुम में है, टूट रहे थे, बिखर रहे थे, हार रहे थे, लेकिन फिर मेरे रास्ते पर ही आ जाते हो, यही तो खूबसूरती है तुम्हारी। अच्छा सुनो, आज तुम्हें कुछ ऐसी गोपनीय बातें प्राप्त होंगी, कुछ जानकारियाँ मिलेंगी जिसे आगे भी तुम्हें सबको नहीं बताना है, क्योंकि ये बात आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। चिंता मत करना, उस समस्या से तुम आराम से जूझ सकते हो। मैं उसी समस्या की बात कर रहा हूँ जिससे तुम इस वक्त चिंतित हो। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी तुम अब कोशिश कर रहे हो। तो वर्तमान में चल रहे इसी समस्या का समाधान का ये रूप है जो आज जानकारी तुम्हें मिलेगी। घबराना मत, मैंने बहुत जोर से तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इसलिए सब पलटेगा, बस चंद मिनटों में पलटेगा। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी किस्मत में मैंने लिखा है, वो तुम्हें मिलेगा। मैंने पूरी आज़ादी दी है तुम्हें, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, तो फिर किसी को हस्तक्षेप मत करने देना। हो सके तो हल्दी के कुछ पौधे लगाओ, तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।